उत्तराखंड में सुगम हुई दुर्गम राहें, बेहतर कनेक्टिविटी ने बढ़ाई उत्तराखंड के विकास की रफ्तार। इससे लगातार बढ़ती पर्यटकों की संख्या से राज्य के पर्यटन उद्योग को भी मिल रही है मजबूती और होम स्टे बन रहे हैं पर्यटकों के ठहरने के पसंदीदा पड़ाव। अब उत्तराखंड में होम स्टे लगभग हर गांव में उसकी बात पहुंच चुकी है। मुझे उत्तराखंड के लोगों से बात करने का मौका मिला था, जो बहुत सफलता के साथ होम स्टे चला रहे हैं, और मुझे विश्वास है उत्तराखंड होम स्टे बनाने में, सुविधाओं के विस्तार में पूरे देश को एक नई दिशा दिखा सकता है। उत्तराखंड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को साकार करते हुए राज्य में होम स्टे योजना को प्रोत्साहन दे रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना के संचालकों को भवन निर्माण के लिए उपलब्ध करा रही है आर्थिक सहायता, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कुल लागत का 33% व मैदान के लिए 25% दिया जा रहा है अनुदान। पहाड़ की खुशनुमा आबोहवा के बीच बने होमस्टे में जैविक उत्पादों से बने स्वादिष्ट व्यंजन पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। इससे ग्रामीणों को घर पर ही रोजगार मिलने से आर्थिकी भी हो रही है मजबूत। नए विजन और नए सृजन के साथ आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए धामी सरकार की कोशिशें जारी, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। मसूरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टाउन हॉल और मल्टी लेवल पार्किंग का किया लोकार्पण, आने वाले पर्यटकों को जाम से मिलेगी निजात। सियासत गरमाने उत्तराखंड फिर आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, 26 दिसंबर को कई बैठकें कर चुनावी तैयारियों को देंगे धार। और उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य, 2022 में बीजेपी सरकार का किया दावा, कहा युवा सीएम पर जनता जताएगी विश्वास। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी जिले में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, जिसके लिए सीएम धामी ने जनसंवाद जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ये कार्यक्रम किया जा रहा है और सभी के सुझाव लिए जा रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के सुझाव पर सरकार आगे बढ़ रही है, राजनीति में लोक नीति के तहत काम किया जा रहा है। उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए जनता के सुझाव जरूरी हैं। लक्सर में जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए बता दें कि जनता की समस्याओं पर चर्चा की गई। जनसंवाद में पहुंचे उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस और पब्लिक के बीच समन्वय पैदा करने की कोशिश की जा रही है और जनता में बढ़ती समस्याओं पर भी लोगों के लिए सुझाव लिए जा रहे हैं ताकि सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा कर समस्याओं का समाधान किया जा सके। मसूरी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। 18 करोड़ 20 लाख की लागत से बने टाउन हॉल और 31 करोड़ 95 लाख की लागत से बनाए गए मल्टी लेवल पार्किंग का भी लोकार्पण किया गया। इस टाउन हॉल में करीब 1000 लोगों को बैठने की क्षमता रखी गई है। इसके साथ ही 150 गाड़ियों के पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है। इससे मसूरी में पर्यटकों को जाम की स्थिति से भी निजात मिलेगी। सर्द मौसम में चुनावी माहौल को गर्माने एक बार फिर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पर आएंगे। 26 दिसंबर को जेपी नड्डा का दौरा तय हो चुका है और इस महीने में नड्डा का ये दूसरा दौरा होगा। अपने दौरे के दौरान नड्डा देहरादून में भाजपा संगठन की बैठकें लेने के साथ ही कोर ग्रुप की भी बैठक में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देने के साथ ही उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। जब चुनाव किसी भी राज्य में होते हैं तो राष्ट्रीय नेतृत्व का लगातार मार्गदर्शन प्राप्त होता है कार्यकर्ताओं को, तो इस बार संगठनात्मक
पूरा उनका ये कार्यक्रम रहेगा, इसमें पब्लिक के कार्यक्रम नहीं हैं। जितना भी संगठन के सीनियर्स हैं और पदाधिकारी हैं उन सब लोगों के साथ उत्तराखंड की वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उन सब पर चर्चा वार्ता होगी। दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य ने 2022 में फिर से भाजपा की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर उत्तराखंड की जनता विश्वास जताएगी और एक बार फिर से सीएम धामी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। बता दें, देहरादून पहुंचने पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी सूर्य का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान युवा कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह भी देखने को मिला। अपने दौरे के दौरान तेजस्वी सूर्य युवा मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। हमारे स्लोगन भी है युवा प्रदेश और युवा नेतृत्व। पुष्कर जी के नेतृत्व में फिर एक बार बहुत भारी बहुमत से फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनिश्चित हो जाती। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने बताया कि जनवरी के पहले हफ्ते में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उत्तराखंड दौरा तय हो चुका है। इसके साथ ही इस यात्रा में भाजपा शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र के कई मंत्री भी विजय संकल्प यात्रा में शामिल हो सकते हैं। बता दें, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के लिए विजय संकल्प यात्रा का आगाज हो चुका है और इस यात्रा के जरिए भाजपा जनता के बीच जाकर राज्य सरकार की उपलब्धि और केंद्र की योजनाओं की जानकारी देगी। जो यात्रा के दौरे हैं उसमें केंद्रीय मंत्रियों के भी बहुत के दौरे यहाँ पर होने हैं, अन्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री गणों के भी दौरे होने हैं। तो ये सब एक रूट्स बने हुए हैं, लेकिन अभी फाइनल दौरे जो आने हैं वो कम आए हुए हैं, तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के भी आएंगे, दूसरे प्रदेशों के भी आएंगे। वो जो ही उनके कार्यक्रम फाइनल हमारे पास आएंगे तो आपको हम अवगत कराएंगे। विधायकों को विधायक निधि का पैसा इसलिए मिलता है ताकि वो अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर सके, लेकिन उत्तराखंड के विधायकों का हमेशा से ये रोना रहा है कि उन्हें विधायक निधि बेहद कम मिलती है, जिससे क्षेत्र के कार्य को पूरा करने में उन्हें समस्या आती है। लेकिन आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि उत्तराखंड राज्य सर्वाधिक विधायक निधि पाने वाले राज्यों में से एक है। उत्तराखंड सर्वाधिक विधायक निधि पाने वाले राज्यों में शुमार है, बावजूद इसके यहाँ के विधायक अपनी निधि को खर्च कर पाने में फिसड्डी ही साबित हुए हैं। प्रदेश में विधायकों को 2017 से सितंबर 2021 तक कुल 1,256.50 करोड़ रुपए विधायक निधि उपलब्ध हुई। इसमें सितंबर 2021 तक केवल 70% यानी कि 963.40 करोड़ रुपए की विधायक निधि ही खर्च हो पाई है। 23% यानी कि 293.10 करोड़ की विधायक निधि खर्च होना भी बाकी है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश और हिमाचल से ज्यादा राशि उत्तराखंड को मिलती है। उत्तराखंड राज्य को 3,75,00,000 रुपए, उत्तर प्रदेश को 3 करोड़ और हिमाचल को 1,75,00,000 रुपए विकास कार्यों के लिए मिले। पुष्कर सिंह धामी के खटीमा विधानसभा क्षेत्र में 69% विधायक निधि खर्च हुई है और 557,00,000 बाकी है। वंशीधर भगत कालाडूंगी विधानसभा सीट से विधायक हैं, 87% इन्होंने विधायक निधि खर्च की है और 229,00,000 बाकी है। यतीश्वरानंद के हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट पर 81% विधायक निधि खर्च हुई है और 333,00,000 बाकी है। बिशन सिंह चुफाल डीडीहाट से विधायक हैं और 81% उन्होंने विधायक निधि का पैसा खर्च किया है, 331,00,000 बाकी है। यशपाल आर्य बाजपुर सीट से विधायक हैं और उन्होंने 71% विधायक निधि का पैसा खर्च किया है, 519,00,000 बाकी है। हालांकि यशपाल अब कांग्रेस में शामिल हैं। सतपाल महाराज चौबट्टा खाल से विधायक हैं और उन्होंने अपने क्षेत्र में 72% विधायक निधि का पैसा खर्च किया है, 495,00,000 बाकी है। हरक सिंह रावत कोटद्वार से विधायक हैं, 77% उन्होंने विधायक निधि का पैसा खर्च किया है और 415,00,000 बाकी है। धन सिंह रावत श्रीनगर से विधायक हैं और 60% उन्होंने यहां पर विधायक निधि का पैसा खर्च किया है, 717,00,000 अभी भी बाकी है। गणेश जोशी मसूरी से विधायक है और उन्होंने 81% विधायक निधि का पैसा खर्च किया है, 346,00,000 बाकी है। सुबोध उनियाल नरेंद्र नगर से विधायक हैं, 75% अपनी विधायक निधि का पैसा खर्च चुके हैं और 443,00,000 बाकी है।
मंत्री रेखा आर्य की बात की जाए तो सोमेश्वर से विधायक हैं, 78% विधायक निधि का पैसा खर्च कर चुकी हैं और 391 लाख बाकी हैं। अरविंद पांडे गदरपुर सीट से विधायक हैं और 78% वो अपनी विधायक निधि का पैसा खर्च चुके हैं और 394 लाख बाकी है। उत्तराखंड के 71 विधायकों में से 12 विधायकों की 70% से कम विधायक निधि खर्च हुई है, जबकि एक विधायक की केवल 50% विधायक निधि ही खर्च हो पाई है। 90% विधायक निधि खर्च करने वाले विधायकों में केवल एक विधायक नैनीताल से संजीव आर्य हैं, जबकि सबसे कम विधायक निधि 50% खर्च करने में मनोज रावत का नाम शामिल है। चुनाव करीब है, आचार संहिता लगने का समय भी करीब आ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इतने कम समय में विधायक अपनी निधि को खर्च कर पाएंगे, जबकि सितंबर 2021 तक उत्तराखंड में 293 करोड़ की विधायक निधि खर्च ही नहीं हो पाई थी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। देहरादून में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें उत्तरकाशी जिले की 3 विधानसभा सीट, देहरादून विधानसभा सीट और टिहरी जिले के विधानसभा सीटों के सभी दावेदार नेताओं से रायशुमारी की गई। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे ने सभी दावेदार नेताओं से बातचीत की और माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार मेहनती और जिताऊ कैंडिडेट्स पर ही अपना दाव खेलेगी। जसपुर में आम आदमी पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले डोर टू डोर जाकर जनता से सीधे संपर्क साधना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी के विधानसभा प्रभारी यूनिस चौधरी ने कहा कि इस बार प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और आपकी सरकार बनाकर बदलाव जरूर आएगा। बदलाव का मन है और आम आदमी पार्टी की तरफ लोगों का ध्यान है। लोग इन दोनों पार्टियों से त्रस्त हो चुके हैं। इन दोनों पार्टियों ने इस प्रदेश को लूटा है और आम आदमी पार्टी इस प्रदेश को सजाने संवारने के लिए। अगले साल उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और कयास इस बात के लगाए जा रहे हैं कि जनवरी के पहले हफ्ते में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाए। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से इन दिनों तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। एक रिपोर्ट। अगले साल जनवरी के पहले हफ्ते में उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में आयोग विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकता है। इसके लिए आयोग की तरफ से तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में चुनाव आयोग का इन 5 राज्यों में दौरा शुरू होगा, तो वहीं चुनाव की घोषणा से पहले आयोग सुरक्षा व्यवस्था सहित जरूरी तैयारियों की समीक्षा भी करेगा। 2017 के विधानसभा चुनाव में पीछे जाकर देखें तो विधानसभा चुनाव की घोषणा 6 जनवरी को हुई थी। वहीं 2022 की बिसात के लिए 11 या 12 जनवरी तक चुनावी घोषणा का ऐलान हो सकता है, क्योंकि मार्च अप्रैल में CBSE के राज्यों में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी होनी है। ऐसे में आयोग मार्च के पहले हफ्ते में चुनाव संपन्न कराने की कोशिशों में है, ताकि चुनाव समय पर निपट जाएं और छात्रों की बोर्ड परीक्षा में भी किसी तरह का कोई खलल ना पड़ सके। आयोग की तरफ से चुनाव कराने की जोरों पर चल रही तैयारियों के बीच तमाम राजनीतिक दल भी अपने प्रचार अभियान में तेजी ला रहे हैं। जनता के बीच लोक लुभावने वादे और दावों का खूब दौर चल रहा है, तो सरकार भी आचार संहिता लगने से पहले बाकी रह गए सभी काम निपटाना चाहती है, ताकि जनता के बीच उन कामों के सहारे समर्थन जुटाया जा सके। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड की सियासत और यहाँ के राजनीतिक मिथक एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आते हैं। अभी तक हम आपको प्रदेश की राजनीति से जुड़े कई मिथकों को दिखा चुके हैं और उनसे रूबरू कराया है कि आंकड़ों में कैसा फेरबदल हुआ है, जिन्हें तोड़ने की सभी दलों ने और सभी नेताओं ने खूब कोशिश की, लेकिन वो मिथक अभी तक टूटे से दिखाए नहीं दिए। लेकिन आपको एक और सीट से रूबरू कराते हैं, जो कि गंगोत्री विधानसभा सीट है। यहाँ के मिथक को लेकर जानकारों का क्या कहना है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड में 2022 के मिशन को फतेह करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने बिसात बिछानी शुरू कर दी है। चुनावी रण में जीत के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की सियासत में सत्ता परिवर्तन को लेकर कई ऐसे मिथक जुड़े हुए हैं जिन्हें आज तक नहीं तोड़ा जा सका है। और राजनीति में कोई कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों न हो, वो भी इन मिथकों को नजरअंदाज नहीं कर पाया है। ऐसा ही एक दिलचस्प मिथक है उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री विधानसभा सीट को लेकर। कहा जाता है कि जो भी प्रत्याशी गंगोत्री सीट से चुनाव जीत जाता है, वही पार्टी सत्ता में आती है और उसी की सरकार बनती है।
ये मिथक पिछले 70 सालों से बरकरार है। अब इस मिथक को एक संयोग कहे या फिर कुछ और, मगर ये सच है कि देश में आजाद होने के बाद से इस मिथक की शुरुआत हुई और आज तक नहीं टूट पाया है। बता दें कि उत्तराखंड राज्य गठन से पहले भी गंगोत्री विधानसभा सीट पर जो भी प्रत्याशी चुनाव जीता था उसी की सरकार बनती थी। उसके बाद जब उत्तराखंड राज्य का 2000 में गठन हुआ उसके बाद भी गंगोत्री विधानसभा सीट को लेकर ये मिथक चला आ रहा है और आज तक नहीं टूट सका है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 2002 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें गंगोत्री सीट से कांग्रेस के विजयपाल सचवाण ने चुनाव जीता और उस समय प्रदेश में आई कांग्रेस की सरकार। 2007 में भाजपा प्रत्याशी गोपाल सिंह रावत ने चुनाव जीता और सत्ता में भाजपा की सरकार आई। उसके बाद 2012 में फिर से विजयपाल सचवाण ने कांग्रेस टिकट पर चुनाव जीता और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। और फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी गोपाल सिंह रावत ने चुनाव जीता और भाजपा सत्ता में आई। हालांकि वर्तमान विधायक गोपाल सिंह रावत के निधन के बाद से फिलहाल गंगोत्री विधानसभा सीट खाली पड़ी है। अब उत्तराखंड में 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के साथ ही तमाम राजनीतिक दल चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। देखना यही होगा कि ये मिथक टूट पाएंगे या नहीं। 10 टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। चकराता विधानसभा सीट की बात करें तो अब तक के हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस अपना कब्जा जमाती आई है, या यूं कहे कि चकराता कांग्रेस की ही सियासी गढ़ के नाम से मशहूर हो चुका है। राज्य के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर क्या कुछ सियासी समीकरण रहे और आगामी 2022 के बिसात के लिए क्या कुछ तस्वीरें उभर कर सामने आ रही है, आपको इस रिपोर्ट से दिखाते हैं। खटीमा विधानसभा सीट के सियासी गणित की बात करें तो हॉट विधानसभा सीट होने के चलते सीट में चुनावी मुकाबले पर सभी की निगाहें रहेगी, क्योंकि राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस सीट से विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए इस सीट पर जीत नाक का सवाल बनी है, तो वहीं कांग्रेस के लिए भी राह आसान नहीं होगी। देखें ये रिपोर्ट। उत्तराखंड की खटीमा विधानसभा सीट उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत आती है। विधानसभा चुनाव 2022 के आधिकारिक ऐलान का इंतजार सभी को है, लेकिन इससे पहले ही प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां तैयारियों में जी जान से जुटी हैं और नेता चुनावी मोड पर नजर आ रहे हैं। खटीमा विधानसभा सीट की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सीट से विधायक हैं और उनके सीएम बनने के बाद से खटीमा सीट हॉट सीट बनी हुई है। 2017 में खटीमा सीट बीजेपी की झोली में गिरी थी। 2022 में कौन इस सीट पर अपना कब्जा जमाएगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन सियासी दौरों से माहौल जरूर गर्मा गया है। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से खटीमा विधानसभा सीट राजनीति के केंद्र में आ गई है। सूबाई सियासत में बेहद दिलचस्प हो गई इस सीट पर 2022 की बिसात के लिए संभावित चुनावों से पहले ही बीजेपी कांग्रेस के अलावा चुनावी दंगल में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी इस सीट से ताल्लुक रखते हैं। सीएम धामी की सीट होने के चलते ये भी लाजमी है कि सभी सियासी दल बीजेपी को घेरने के लिए रणनीति तैयार करने में लगे हैं। वहीं खटीमा सीट तराई में होने के नाते आसपास की विधानसभा सीटों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो साल 2002 में खटीमा विधानसभा सीट से कांग्रेस से गोपाल सिंह रावत ने बसपा के दान सिंह भंडारी को यहां से हराया था। 2007 के विधानसभा चुनाव की बारी आई तो एक बार फिर कांग्रेस पार्टी से गोपाल सिंह चुनाव लड़े और उन्होंने ये चुनाव 36,000 से ज्यादा वोटों के साथ जीता। 2012 में खटीमा विधानसभा सीट पर बीजेपी से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़े और उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र चंद को इस बार मात देकर जीत का सहरा अपने नाम किया। 2017 के विधानसभा चुनाव आते आते राजनीतिक हालातों में भी तेजी से बदलाव होने लगा। इस बार खटीमा सीट से एक बार फिर बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी पर दाव खेला और बीजेपी का दाव ऐसा काम आया कि कांग्रेस के उम्मीदवार भुवन चंद कापड़ी धामी के हाथों मात खा गए और खटीमा सीट बीजेपी की झोली में आ गिरी। बदलते वक्त के साथ उत्तराखंड की राजनीति में भी बहुत कुछ बदला है और अब बारी 2022 के बिसात की है। 2022 के चुनाव के बाद सत्ता पर कौन काबिज होगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव खटीमा सीट पर काफी रोचक रहने वाला होगा। ये चुनाव कई सियासी दलों का आने वाला भविष्य भी तय करेगा।
टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। किच्छा में पुलिस ने 315 बोरे के तमंचे के साथ और देसी रिवॉल्वर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी भागने में कायम रहा। बता दें कि पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं पकड़े गए आरोपी को जेल भेजा गया है और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। रात्रि में फुलवट्टा थाने द्वारा चुनाव के मद्देनजर शांति व्यवस्था ड्यूटी और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। तो रात्रि में सूचना प्राप्त होने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और एक व्यक्ति फरार हो गया, जिसके पास से 38 बोर का तमंचा देसी फैक्ट्री में 5 राउंड का बरामद हुआ और 315 बोर का तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। प्रदेश को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए धामी सरकार की कोशिशें जारी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। मसूरी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टाउन हॉल और मल्टी लेवल पार्किंग का किया लोकार्पण, आने वाले पर्यटकों को जाम से मिलेगी निजात। सियासत गरमाने उत्तराखंड फिर आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 26 दिसंबर को कई बैठकें कर चुनावी तैयारियों को देंगे धार। और उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्य। 2022 में बीजेपी सरकार का किया दावा, कहा युवा सीएम पर जनता जताएगी विश्वास। में जब ये हमारा राज्य जब ये 25 वर्ष का होगा, हम सब की जिम्मेदारी है कि वो नंबर वन का उत्तराखंड हो। 19-20 के ढेर में ये दुनिया, 25 की सोचने वाले हम। हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है, इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सदानंद छवि को उकेर रहा है। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर वन, मेरा उत्तराखंड हो नंबर वन। 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था। मौसम से बदलाव है देखे, बीते कल ने आज देखे, पगडंडी ने सड़क देखी, नदियों ने पुल बनते देखे, हर दिन होता सुंदरता समृद्धि का संगम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर वन, उत्तराखंड हो नंबर वन। जितना भी समय हमारे पास है, उस समय का हम एक एक पल और एक एक क्षण उत्तराखंड की 1,25,00,000 जनता को समर्पित करती है। हमने इन 4-4.5 महीने के कालखंड में 500 से भी अधिक निर्णय कर दिए, अधिकांश की हमने जो है शासनादेश निकाल दिए। नई दिशा अब नई डगर है, ना मन में कोई अगर मगर है, दृढ़ निश्चय की अगुवाई में एक लक्ष्य पर सबकी नजर है, असंभव को संभव करते वो रखते हैं दम। हर क्षेत्र में हम हो आगे, उत्तराखंड हो नंबर वन, उत्तराखंड हो नंबर वन। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। प्रगति की ओर उत्तराखंड।